पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच उत्तर प्रदेश मुरादाबाद द्वारा राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप जयंती का समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि नगर विधायक नितेश गुप्ता रहे, अध्यक्षता एसपी सिंह के द्वारा की गई। कार्यक्रम संयोजक अरविंद कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह सिसोदिया ने किया। कार्यक्रम में अतिथि रहे देशराज सिंह चौहान, डॉक्टर महेंद्र चंद्र दिवाकर, देवेंद्र सिंह, डॉक्टर शशि चौहान, वीरेंद्र कुमार सिंह और राजवीर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और अतिथियों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित करके किया। अरविंद कुमार सिंह के द्वारा नगर विधायक को एक प्रस्ताव दिया गया, जिसमें मंडल के प्रथम विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप से रखने का अनुरोध किया गया। इसके बाद कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसने समा बांध दिया। कवि सम्मेलन में देशभक्ति कविताओं से ओतप्रोत होकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। आ जाएं, सभी का पाला पहना कर स्वागत करें। मुकेश सिसोदिया का है भाई, लेकिन इतना बढ़िया ये समय मातृशक्ति पीछे बैठी है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मातृशक्ति बहनें बेटियां दिखाई देती हैं हमारे कार्यक्रमों में, क्योंकि मैं हम जानते हैं कि पूरा देश जब जब मेडल की तलाश में जाता है तो बेटियां सर उठा करके तिरंगे का वहां से लेकर के आती हैं। हालांकि आजकल जंतर मंतर पर कुछ वो चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। मैं चार पंक्तियां इन बेटियों के नाम पहले पढ़ता हूँ कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली है, जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली है, बनी परिवार की खातिर कभी दुर्गा व काली है, जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। बहुत मन से बहुत ऊर्जा से आप लोग सुन रहे हैं, मुझे आज दुगनी ऊर्जा लगानी पड़ रही है, लेकिन आपका ऐसे ही मन मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से कवि सम्मेलन बहुत भव्यता की तरफ जाएगा। आप लोग अच्छी तालियां बजा रहे हैं, उधर वाले लोग थोड़ी सी तालियां कम बजा रहे हैं। सुल्तान है मत चूके चौहान, ये कविता की ताकत थी, ये कविता की ताकत थी। जब जब दुश्मन को गिराना था तो कविता काम आई। वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने दिनकर के सर में हुंकारा था, वो कविता है जो भारत के घर घर में गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। मंदिर में जाकर गाओ कविता भजन बन जाती है, दरबारों के बीच अगर गाओ कविता चरण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता भूमि बन जाती है। मैं एक पंक्ति कविता के सम्मान में पढ़ रहा हूँ, और अगर आपको भी लगे कि मैंने सही कह दिया हो कविता के विषय में तो आपकी जो ऊर्जा अब तक ना मिली हो वो मुझे मिल जाए। दरबारों के बीच अगर गाओ कविता चरण बन जाती है, मंदिर में जाकर गाओ कविता भजन बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होली बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है कविता लोरी बन जाती है। प्यारे थे भाई छोटे, 21 होते 20 होते हैं, मैं भी नहीं, ज्येष्ठ सब का ही मानो एक संत था, अरे वैवाहिक बंधन में बंधा 11 बार वो, प्रिय रहा सभी को वो राजा नहीं संत था, अरे मातृभूमि देशभक्त शक्तिपुंज एक लिंग, वीर शिरोमणि मानो वीर वो दिगंत था, वीर शिरोमणि मानो वीर वो दिगंत था। और साहब आज एक बहुत खास दिन है कि सरलता सहजता और सहिष्णुता की प्रेम से जिसका निर्माण होता है वो है स्त्री, और वही स्त्री धर्म अर्थ काम के सोपानों का संचरण करते हुए जब अपने पति को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है, तब इसी स्त्री का एक और रूप है जब यही स्त्री माँ की संज्ञा को प्राप्त होती है। अंकित जी, आज का जो कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा और अनुभव बहुत अच्छा रहा, और उद्देश्य क्या था कि हम पहले से 25 साल से 2 कार्यक्रम करते हैं, 9 मई को महाराजा चौक पे और उसके बाद जो इतवार पड़ता है 14-15 उसको हम यहाँ करते हैं, सुबह बैठ के जो करते हैं। हमारा उद्देश्य जो था केवल हम उद्देश्य को समाज में बचाना था, महाराज प्रताप के चरित्र को रखना था। हमारा जो महाराणा प्रताप चौक का कार्यक्रम है वो केवल इसलिए आयोजित होता है कि पृथ्वी के रूप में हम महाराणा प्रताप को मल्यार्पण करते हैं, उसे हम कोई भाषण बाजी नहीं करते,
देखिए आज के कार्यक्रम में आपने भी अनुभव किया होगा, इतने सारे कवि हमारे पास आए, जितना उन्होंने हमें बताया, जैसा महाराज ठाकुर ने सुना, कभी नहीं सुना वो हम सुनते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जनमानस को इकट्ठा करके एक साथ, देखिए भारत प्रजा चौक को भी आपने कवर किया है, भारत प्रजा चौक को भी आपने देखा है, उसमें कवर होता है, लेकिन वो कवर नहीं, हम लोगों को आते हैं जाते हैं चढ़ाते हैं, लेकिन आज हमने कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा किया है, सैकड़ों लोग यहाँ पर आए और उन्होंने पूरा अब तक बिना खाने की चिंता किए 4 बजे तक हमारे कार्यक्रम सुना, ये हमारी उपलब्धि, मेरे बहुत अवसर। मैं दूसरे अपने समाज के बड़े लोगों को इस सूत्र कहना चाहूँगा कि वो ये भ्रम में ना रहें कि उनके नाम पर कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रम समाज की वजह से होते हैं, और हमने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे कार्ड में बड़े बड़े नाम थे उनको नहीं आया, लेकिन वो सारे हमारा कार्यक्रम कितना सफल हुआ ये आपने फिल्मांकन भी किया है, चित्रांकन भी किया है, और आपने आपने भी को देखा भी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।